अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह सुबह ही बाज़ार में आ चुका हूँ। हाँ, छुट्टी का दिन है, बाज़ार आना पड़ता है, क्या करें। तो यहाँ पर पूरा बाज़ार जो है कंप्लीट हो चुका है। अरमान भी आया है, इनका भी बाज़ार करना था, हमारा भी हो चुका है। पूरा ना लंबा वाला लिस्ट दिया था मम्मी ने, एंड दिस इज़ द लुक ऑफ द बाज़ार। आज सैटरडे है तो उतना ज़्यादा भीड़ और नहीं है, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी 10 बज चुके हैं, तो उतना ज़्यादा भीड़ अभी हुआ नहीं है, ठीक है, या फिर भीड़ कम हो चुकी है। जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी बस घर के लिए निकल ही रहे हैं, तो सोचा एक शॉट ले ही लेते हैं बाज़ार का, तो ठीक है चलते हैं। उसके बाद आया मैं मूली लेने, मूली के फॉल से, और अभी अपनी हालत देख ही सकते हो। कैप लगा लिया क्योंकि यार बाल एकदम बिखर से ले जा रहे हैं, इसीलिए कैप लगा लिया मैंने। चलते हैं घर। तो मूढ़ी लाने गया था तो इसका मतलब हाँ, आज सब नाश्ते में मूढ़ी ही खा रहे हैं। तो फिलहाल एक बात जान सके कि जिस फेज में हमारा जो मोटर चलता है ना, उस फेज में अभी लाइन नहीं है, तो इसका मतलब, और टैंकी भी खाली हो चुका है, तो इसका मतलब पानी अंदर वाली करे, वहाँ वो हैंडपंप से लाना पड़ेगा और तालाब में नहाना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो मजा आएगा, देखते क्या होता है। तो रूम में सब कुछ ऐसे चादर से, और यहाँ पर ये सीढ़ी लगा दिया है, यहाँ पर ये पंखा, तो हमारी नज़रों में ये साफ ही है, लेकिन हमारी मम्मी का ऑर्डर है कि पंखे को जाके साफ करो। तो ठीक है, ये सब कुछ मैंने ढक दिया है अभी, ताकि काम बढ़ाया ना जगह, और फिर इसे साफ करते हैं। सुपरमैन पक्का साफ कर रहा है हम लोग का, सुपरमैन। अरे सीढ़ी धो, तू गिरेगा तो मेरा ही तो अच्छा होगा। थोड़ा सा दो रिंग साफ करने के इसका हालत खराब हो गया। इस नाक पर से घुस जाएगा ना। उसका तो पूरा हाल नहीं तो मेरे ना खूब करा मैं क्या। तो आज हम करने जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, जहाँ एक लॉटरी चोको पाई के एक पीस को यहाँ पर रख दिया है ओवन के अंदर। वाह, देखो घूम रही से फूल चे नकी रे, ये रख फूल चे नकी है, उन्हें खुले या बे हर बार खोले है, अरे फूल चे, अरे फूल चे। भाई साहब, वो नाइस प्लेस। ओ भाई साहब, बंद कर दे, बंद कर दीजिए, चलो भाई। रद्दी हो गया, क्या हो गया, ये जगन्नाथ बड़े वाला दिए, क्या हुआ, गलत से पानी आ गया मेरा। लेट्स टेस्ट इट, इधर बंद कर दे, टेस्ट इट, चलो टेस्ट इट। और तू क्या, चीज नहीं आया, जा सब चीज खा गया रेहान। माफ मानो। अच्छा केक है क्या? पर पड़ी है नूर और अरे सोनू, मैं तो हाथ से खा रहा हूं। ऐसे ही नॉर्मल से ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो जैसा कि बताया था, मोटर का जो फेज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है। तो अगर, और अभी दोपहर के 1:05 बाकी हैं, मतलब नहाने का समय हो चुका है, नहा लेते हैं, एंड तालाब में ही नहाना पड़ेगा। हम शेर हैं, तो देखते हैं पानी का टेम्परेचर कैसे है। ओह
कचरा में देख मैं तो जम कर 2000 years later पानी पानी गाइस इज अ सिल्चर वाटर तो आ चुके हैं अभी लंच के लिए। अरे अभी खा के ना एक जगह में जाना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर हमारे एक अंकल के पास आए हैं। देखते हैं। तो जिन अंकल के पास आए हैं उनके ये बैग का दुकान है, देख सकते हो। खुद सिलाई भी करते हैं कुछ तरह का, मतलब चेन उन कट गया या फिर फट गया बैग उग का, वो सब भी करते हैं। तो अभी बात यह है ना, जो हेल्पलाइन में मतलब जो मतलब कंप्लेंट करने के लिए जो कॉल करना पड़ता है वो हमको, हमने कभी किया नहीं, हमको पता नहीं है। ठीक है, मेरे पापा थे वो करते थे शायद, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कैसे क्या करते हैं। मेरे पापा घर में भी नहीं है, कॉल में क्लियरली मतलब काम नहीं हो सकता। तो इनको पता है, इनके पास आए हैं, वो अभी गए हैं, वो नंबर असली किसी के पास है, उनसे लेने गए हैं, उसे लेके आके और फिर कॉल करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, फिर क्या कहाँ गाड़ी उड़ी कुछ आएगा ठीक करने, देखते हैं क्या होता है यार। अभी प्रॉब्लम है, बता के तो नहीं आएगा। तो फिलहाल दुकान में आके बैठा हूँ, दादाजी ने कहा वो आएंगे, अभी तक दुकान में आए नहीं, लगता है कुछ माल लाने गए हैं, मतलब जूते होते स्टॉक लाने गए हैं सारे। मैं इस तरह बैठा हूँ, उस तरह बाबलों के बैठे हैं जी। अब जाके शाम को काम शुरू हुआ है। वो अंकल चढ़ गए एकदम बम्बू के सीढ़ी में और वहाँ चढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन कर दिया गया है। तो अभी फैजान मेरे पास ये लाया है, कह रहा है खोल दीजिए। तो खोल देते हैं एंड तो अरे क्या हुआ, अरे टूट गई से ये लो ऐसे ही टूटा फूटा खा लो। तो अभी ऐसे ही बैठ के मैं टाइम पास कर रहा था और बात ही बातों में देखो क्या हो गया, खुद से ही इसे उखाड़ दिया। अभी दर्द थोड़ा जल उल नहीं रहा है, लेकिन अगर ठीक समय में इसको नहीं फेंका उखाड़ के या फिर काट के तो इतने भी फैटल फूस रहा है। देखो यहाँ बाबू भी पानी ठूस रही है। तो गाइस अभी बस सो जाना है, तो इसके साथ आज का ब्लॉग जो है एंड करते हैं। कल संडे है तो और भी ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, कल मिलता है फिर से एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।